चाहूंगी, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में कोई तब्दीली आप समझते होनी चाहिए जब पाकिस्तानी बैटर्स आएंगे, तो अभी जो ऑर्डर है इस वक्त टीम का वो ठीक है या इतने बड़े रन्स के पहाड़ को देखते हुए कुछ तब्दीली होनी चाहिए, स्ट्रेटजी को बदलनी चाहिए? जब इतना बड़ा टोटल होता है तो एक गैम्बल तो किया जा सकता है कि अप फ्रंट किसी पिंच हिटर को भेज दिया जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि बाबर इतने रिस्क टेकर है नहीं। बाबर अपने जो एक सेट पैटर्न है उनका अपने ओपनर्स जिसमें इमाम और अब्दुल्ला है, उसी के साथ जाना चाहेंगे। और पाकिस्तान देखें, चांस पाकिस्तान के पास मुकम्मल तौर पर इस गेम में मौजूद है। हमने पाकिस्तान ने देखा कि श्रीलंका के खिलाफ हमने बड़ा अच्छा चेस किया, इसमें मिडिल ऑर्डर का एक बड़ा रोल इसमें आम होगा। अगर हमें अप फ्रंट अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, इमाम को अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए, किसी किस्म का कोई दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अर्ली ऑन विकेट्स लेने की भरपूर कोशिश की जाएगी ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। हम देखते हैं कि जोश हेजलवुड हैं, पैट कमिंस हैं, इसके अलावा मिचेल स्टार्क हैं, ये विकेट टेकर बॉलर्स हैं, और इनकी कोशिश यही होगी कि ड्यू से पहले पहले ये पाकिस्तान के दो या तीन आउट कर लें। पहले 10 ओवरों में जितना विकेट्स इनको मिलेंगी उतनी ही गेम में वापस आएंगे। पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान पहले 10 ओवर्स में अपनी प्रॉपर शॉट्स खेले, अटैक करे, लेकिन गैर जरूरी शॉट्स ना खेले। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा गेटेबल टोटल है पाकिस्तान के लिए अगर समझ के खेला जाए। अग्रेसिव खेलें लेकिन संभल कर खेलें। शेरिल साथ रहे हमें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।